इस वीडियो में हम लोग पेपर यानी कागज़ के द्वारा बतख कैसे बनाएं, और ये विशेष तौर से हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो मसल्स हैं, उनकी उंगलियां हैं, उनको मजबूत करने में विशेष ये जो हमारी एक सीरीज है, श्रृंखला है, पेपर का प्रयोग और पेपर से किस प्रकार से उसको फोल्ड करके, इससे पहले जो पहला वीडियो बनाया था पेपर को फोल्ड करके विभिन्न आकृतियों में उसे चेंज करना, जिससे कि बच्चों को आकृति की ज्ञान करवाया जा सके, वो बताया। इसके बाद में ये दूसरा वीडियो है, इसमें पेपर की साधारण फोल्डिंग के द्वारा एक बतख का निर्माण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग हमने इस वीडियो में किया है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक आपको A4 साइज कागज़ लेना होगा, फोटोकॉपी वाला, या फिर आप कलर्ड पेपर यदि अरेंज कर पाए तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। आप कलर्ड पेपर को अरेंज कर लें, उससे क्या है कि आकर्षक चित्र आप बना सकते हैं, आकर्षक आकृतियां बना सकते हैं कागज़ का प्रयोग करके आप मेरे साथ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार से फोल्डिंग के द्वारा आज बतख बनाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कागज़ ले लेते हैं, और जो कागज़ है हमारा A4 साइज है उसको क्रॉस करके यानी कि इसको वर्गाकार आकृति में हम काट लेंगे। इससे पहले वाला यदि वीडियो आपने देखा है तो आसानी से आप इसको स्क्वायर में कट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेपर को स्क्वायर में कट कर लेंगे यानी कि वर्ग के रूप में इसे बना लेंगे। आप अपने हिसाब से 10x10, 12x12, 15x15, जैसा भी आकृति आप छोटा बड़ा बनाना चाहें उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को स्क्वायर में कट कर लेंगे। अब इसे इस प्रकार से आप आकृति बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने 18 सेंटीमीटर का ये किया, और उसके बाद में 18 का ये भी किया है, और उसके बाद में जो चौड़ाई है इसकी वो 12 सेंटीमीटर की ली है। फिर इसको इस प्रकार से आप पटरी रख करके, स्केल रख करके ऐसे फोल्ड करें, कट नहीं करना है यहाँ से, पहले फोल्ड करना है। और इसके बाद में क्या है, ये जो तिरछी लाइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये 9 सेंटीमीटर की समथिंग क्या 9 सेंटीमीटर इसकी जो नीचे से ऊंचाई होगी, ये 9 सेंटीमीटर रहेगी, और ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं जहाँ से देखते रहिएगा आप किस प्रकार से फोल्डिंग की गई यहाँ से ये, और ये जो चौड़ाई छोटी सी, ये जो 9 सेंटीमीटर के बाद में जो पॉइंट है इससे जो नीचे की है, ये वाली आपकी 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो इस प्रकार से आप तिरछी रेखा जब कर लेंगे तो यहीं से क्या करना है आपको, इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड कैसे करना है उस चीज़ को आप पूरा देखिएगा वीडियो। तो सबसे पहले क्या करें, ये आप इस प्रकार से डॉटेड लाइन या डार्क लाइन कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना होगा, ये हमने यहाँ से कट कर दिया कैंची की सहायता से, यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक आपको कट करना है, और ये यहाँ से आपको क्या करना होगा, फोल्ड करना होगा। तो आप पटरी रख के भी फोल्ड कर सकते हैं, सीधा ऐसी तिरछी पटरी रख के फोल्ड कर सकते हैं जिससे सीधी आपकी फोल्डिंग हो जाए। यहाँ से कट नहीं करना है, फाड़ना नहीं है, सिर्फ फोल्ड करना है। मैं पटरी रख के आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप रखेंगे पटरी को, और उसके बाद में ये इस प्रकार से आप दबा के खींच देंगे। जैसे दबा खींचेंगे तो यहाँ से ये कागज़ जो है मुड़ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ भी करेंगे, इस साइड भी यही काम बिल्कुल सेम करना है, और इस प्रकार से दोनों साइड जब आप फोल्ड कर लेंगे, ये जब आप फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड, तब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप फोल्ड करेंगे, जब दोनों कागज़ ये ऊपर की ओर हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि एक ये इस प्रकार का कागज़ आपको शो होगा। जब इस प्रकार का शो हो जाए फिर आपको क्या करना है, यहाँ से समझना होगा, बहुत ही ज़रूरी है, ये आवश्यक पॉइंट हैं जिनको, जिस प्रकार से मैं फोल्डिंग कर रहा हूँ बिल्कुल सेम आप करते जाइएगा, बहुत आसानी से आप भी इसे बना पाएंगे। इस प्रकार से आप ये फोल्ड करिएगा, इस प्रकार से, इसी प्रकार से सेम दूसरे साइड का जो हिस्सा है उसको भी फोल्ड कर दीजिएगा और दबा दीजिएगा। जब दबा के आप फोल्ड कर देंगे तो इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी यहाँ से। इसके बाद में आपको करना क्या होगा, बस थोड़ा सा काम और बचा है जिसको करना है और ये आवश्यक भी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसकी जो गर्दन है बतख की यानी कि नेक यहाँ से तैयार करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से यहाँ से ये ऊपर की ओर फोल्ड कर दोगे।
तो ऐसे जब आप फोल्ड कर लेंगे तो ये गर्दन टाइप की बन जाएगी। और इसके बाद में ऊपर से ये चोंच यहाँ से हमको बनाना है उनकी, उसकी यानी कि डक की, बतख की। तो इस प्रकार से आप इसे मोड़ देंगे। यहाँ पे आप स्टेपल भी लगा सकते हैं या कुछ और चाहें जिससे कि ये कागज़ ऐसा ही फोल्ड बना रहे। तो हमने यहाँ पर स्टेपल कर दिया है। ये आप चोंच बनाने के लिए एक स्टेपल मार दिया है, और उसके बाद में नीचे नेक बनाने के लिए जिससे कि कागज़ ऐसा ही रुका रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक मार दिया। अब यहाँ पे आप डिजाइन बना सकते हैं तिरछा करके, जैसे पंख होते हैं बतख के, जिससे क्या होगा कि उसी डिजाइन में आप इसके यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं कैंची की सहायता से। छोटा बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा ही बनाया जाए, तो बड़ी जब आप पंखे बनाएंगे तो थोड़ा और आकर्षक बनेगा। तो यहाँ से अब हम कैंची की सहायता से इसको ऊपर जो लाइन किया है उसको अलग कर देंगे। तो जब हम इसे कैंची से इसे कट कर देंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये हालांकि आप बहुत अच्छे से, ये कलर्ड पेपर से जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही आकर्षक लगेगा। मैं सिंपल पेपर से ही आपको सिर्फ बता के एक नमूना तैयार करके दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको बनाना है। तो ये बतख मुझे तो बहुत ही आकर्षक लग रही है। तो इस प्रकार से आप और भी फोल्डिंग करके, कलर्ड करके, कुछ और तरीके से जुगाड़ करके आप बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये लगेगी इसकी। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसको किस प्रकार से, कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में आपको कट करना है कागज़, यदि इसमें समझ में नहीं आया है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से सीधे आप क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा, आया होगा। यदि पसंद आया तो सभी शिक्षक साथियों में इसे शेयर ज़रूर कर दें।